हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है जुनैद रईस और आप देख रहे हैं नेशनल हैंडीक्राफ्ट चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए फर्नीचर सेट में कुछ अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ एंड दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। एक हमारे पास आज है कैबिनेट बार, सेकेंड हमारे पास है वार्डरोब कैबिनेट और उसके बाद हमारे पास है क्रॉकरी कैबिनेट। तो एक शू रैक भी हमने बनाया है, मल्टीपल आइटम्स हैं। आप एक बार दिखाइए, 4 आइटम्स इस वक्त हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज द कैबिनेट बार, सेकंड आप देखेंगे तो वो हमारे पास है वार्डरोब कैबिनेट, देन द थर्ड प्रोडक्ट इज शू रैक एंड द फोर्थ प्रोडक्ट इज क्रॉकरी कैबिनेट। तो इन सब आइटम्स की डिटेल्स, इसमें हमने कौन सी वुड लगाई है, क्या साइजेस हैं, क्या डायमेंशंस हैं और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने इसको कस्टमाइज किया है। आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें बता सकते हैं, सो वी कैन मेक इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आइए फर्स्ट प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये कैबिनेट बार। इस कैबिनेट बार की जो हाइट है वो अराउंड है 7 फिट टिल द वुडन टॉप, वी कैन से 1 फिट फॉर द क्राउन। इसमें सबसे यूनिक चीज जो है वो ये है, ये हमने डबल टीयर में बनाया है। जो आप बॉटम देख रहे हैं वो डिफरेंट है, वो अलग हो सकता है, डिटैचेबल है, और जो अपर बॉडी है वो डिटैच हो सकती है। आप बॉटम अलग कर सकते हैं और आप टॉप अलग कर सकते हैं जब आपको मूव करना हो। फ्रंट पे आप देखिए, हमने इसके अंदर रॉट आयरन की कंप्लीट एक कारीगरी करी है, सी द वर्कमैनशिप। इसमें हमने पूरा ये तार विद लीफ इसमें हमने एम्बॉस करा है और इसको हमने वुडन पैनल्स के अंदर प्रॉपर फिट करा है अकॉर्डिंग टू द शेप। और आप देखिए बोथ साइड इसमें हमने रॉट आयरन की ग्रिल लगाई है एज पर द डिजाइन गिवन बाय आर कस्टमर। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको यही आउटलुक चाहिए, तो उनके आउटलुक पे हमने इसको फ्रॉम द रॉ टिल द फाइनल प्रोडक्ट हमने इसको मैन्युफैक्चर करा है। आप टॉप देखिए, टॉप साइड जो क्राउन है उसमें भी कितनी क्राफ्टमैनशिप है, कितने बेंड्स एंड कर्व्स हैं। ओके, अब मैं आपको ये बार अंदर से दिखाता हूं। आप ये देखिए, ये हमने डोर्स ओपन कर दिए। अब आप बॉटम साइड देखिए, ये जो बॉटम साइड है हमने इसमें स्टोरेज दिया है। यहाँ पे आप जो भी आइटम्स आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। दीज आर द वाइन रैक्स, यहाँ पे आपकी वाइन प्लेस हो जाएगी। इसके ऊपर अगर हम आएंगे, ये भी आपका बॉटल रैक होल्डर है, आप इसमें अपनी बॉटल्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी हमने स्टोरेज दी है, ये भी हमारा स्टोरेज है। यहाँ पे आप छोटे स्मॉल आइटम्स रख सकते हैं, यू कैन हैंग योर वाइन ग्लासेस। ये हमने स्लिट्स दिए हैं, प्रॉपर स्लिट्स हैं जिसके अंदर आप अपने वाइन ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। फिर आप इस साइड पे आएंगे तो आप ये देखिए, यहाँ पे भी हमने बॉटल होल्डर्स दिए हैं एंड दीज आर रनिंग ऑन प्रॉपर एशियन स्लीक चैनल्स। एशियन कंपनी के स्लीक ब्रांड के ये चैनल्स हैं। ये देखिए कितनी स्मूथ इनकी मूवमेंट है, आप लिटरली आप इसको मूव कर सकते हैं विद वन सिंगल फिंगर। और इसमें ये 3 हमने बॉटल होल्डर्स दिए हैं। अदर देन दैट आप ये देखिए बॉटम में, दिस इज अ ड्रॉर, यहाँ पे भी आप कोई आइटम रखना चाहें वो रख सकते हैं। एक ड्रॉर हमने इसके बॉटम में भी दिया है। तो इस तरह से कुछ ये कॉन्सेप्ट है जो बार का, हमने कॉन्सेप्ट इस बार प्रिपेयर करा है। वी आर थिंकिंग दैट जो कस्टमर है बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे, बहुत ही खुश होंगे इसको देख के, क्योंकि उन्होंने 3 से 4 डेज हमारे साथ ये डिस्कस करा इस डिजाइन को और इसको फाइनल करा। इस बार के जो डायमेंशन है वो है 7 फिट हाइट है और अराउंड इसकी 3 फिट विर्थ है एंड जो गहराई है इसकी वो 2 फिट है। तो इट्स 7 फिट 7 बाय 4 बाय 2। और आप ये फ्रंट में भी देखिए, हमने यहाँ पे ब्रास हैंडल लगाया है, आप इसको लॉक करना चाहें। वैसे तो लॉक करने की जरूरत नहीं है घर पे, लेकिन अगर आप लॉक करना चाहें तो यहाँ पे लॉकिंग कॉन्सेप्ट हमने दिया है एंड ब्रास हैंडल्स भी हैं। अब आप साइड में देखिए, इधर से दिखाइए, इसमें जो जितनी भी हमने फ्रेम यूज करी है, द फ्रेम इज इन प्रॉपर टीक वुड वाली राइट साइड मैंने आपको दिखाई है। अब आप लेफ्ट साइड भी देखिए, लेफ्ट साइड भी जितनी भी फ्रेम है कंप्लीट फ्रेम इज इन टीक वुड। और आप बॉटम देखिए, बॉटम में जो हमने लेग्स बनाए हैं ये ओरिएंटल लेग्स हैं और ओरिएंटल लेग्स की आप शेप देखिए प्रॉपर। इसमें आप देखिए हमने मुगल कार्विंग एम्बोस करी है। नेक्स्ट आइटम जो है वो है हमारे पास वार्डरोब कैबिनेट। आप ये देखिए, दिस इज अ वार्डरोब कैबिनेट, ये हमने कंप्लीट पूरा टीक वुड में बनाया है। और आप इसमें देखिए, हमने इसमें पूरी मुगल कार्विंग करी है। इसमें 2 पैनल्स है, 2 पैनल्स के अंदर हमने डिफरेंट पार्टीशन करके उसके बाद हमने वुडन प्लैंक्स लगा के इसके अंदर कार्विंग करी है। और आप क्राउन में भी देखिए,
इसमें क्राउन में भी हमने पूरी कंप्लीट कार्विंग करी है। ईच एंड एवरी फ्रेम इसके अंदर जो है वो पूरा वुड में है। साइड्स भी दिखाइए, ये देखिए साइड्स, साइड्स में भी कंप्लीट इसमें पूरा वर्क है। और आप ये देखिए फ्रॉम द इनसाइड, इसमें हमने यहां पर ये स्पेस जो हमने दिया है, इसमें तो आएगा आपका यहां पर हैंगर। साइड में देखिए यहां पे 3 स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं और 2 बड़े कंपार्टमेंट्स बॉटम साइड पे हैं। प्रॉपर हमने इसमें मैग्नेटिक कैचर्स दिए हैं जो आपके डोर को होल्ड कर लेंगे। और ये देखिए वुड की जो असली पहचान है वो ये है, जो ग्रेन्स बॉटम साइड पे हैं वही ग्रेन्स आपको फ्रंट साइड पे भी कंटिन्यू दिखेंगे। यही एक पहचान है जिससे आप कह सकते हैं कि आपको इसके अंदर प्रॉपर वुड का यूटिलाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये शू रैक। आप देखिए शू रैक की जो डायमेंशन है वो है 4 फिट, चौड़ाई इसकी 4 फिट है। उसको हमने बीच में से स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में कर दिया है। और आप ये देखिए यहाँ पर स्टोरेज हमने दी है शूज के लिए, 1 स्टोरेज हमने इस साइड पे दी है शूज के लिए। और इसके जो हमने डोर्स बनाए हैं वो हमने स्ट्रिप्स में बनाए हैं। और इसको बनाने का एक टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है जब आप शूज यूज करने के बाद इसके अंदर शूज प्लेस करेंगे तो उनमें स्मेल वगैरह आती है, तो यहाँ से वेंटिलेशन होकर आपके शूज भी ड्राई हो जाएंगे और वो स्मेल आपके कैबिनेट में एक्यूमुलेट नहीं होगी। सेकंड थिंग, हमने टॉप साइड पे ये ड्रॉर दिया है और आप ड्रॉर भी देखिए, यहाँ पर भी हमने प्रॉपर स्लीक कैचर्स का यूज करा है और ये बहुत ही स्मूथ मूवमेंट है। एंड ये है आज का हमारा 4th प्रोडक्ट, ये है हमारी क्रॉकरी कैबिनेट। क्रॉकरी कैबिनेट में आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉकरी अपनी प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए क्राउन, क्राउन पे भी हमने कार्विंग दी है, प्रॉपर मुगल कार्विंग है। टॉप में बिडिंग है और फ्रेम देखिए पूरी प्रॉपर टीकवुड में हमने करा है प्रिपेयर, मोस्टली फर्नीचर हम टीकवुड कर रहे हैं। बॉटम आप देखिए, इसमें हमने ओलिएंटल लेग्स दिए हैं एंड जो हिंजेस हैं वो भी बड़े हैवी हैं। ये देखिए हिंजेस, ये देखिए आप, इसमें हमने 4 कंपार्टमेंट्स दिए हैं, 3 शेल्फ हैं इसमें और प्रॉपर आप अपनी क्रॉकरी वगैरह इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। 7 फिट इसकी हाइट है और अराउंड 3 फिट इसकी विड्थ है और 1.5 फिट इसकी गहराई है, क्योंकि 18 inches इज सफिशियंट टू कीप योर क्रॉकरी। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्नीचर सेट है वो मैंने आप सबको दिखाया एंड आई होप आप सबको ये फर्नीचर सेट बहुत पसंद आया होगा। इसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9412233100 एंड 8077599101 पे। तो चलिए, तब तक आप और हम मिलकर कुछ नया फर्नीचर बनाते हैं। थैंक यू।